This movie is encoded by Dr. Star. बस 2 मिनट बचे हैं ये जगह रॉक होने में। बच्चे क्या है तुम्हारे पास? मैं जानता हूं। उधर नहीं, इधर देखो, उधर नहीं, इधर इधर। वो वहां आखिर कर क्या रहा है? हे, चुप बैठो। मैं चाहता हूं तुम ये सब याद रखो, ये सब कुछ, इस दर्द को महसूस करो। सुना मुझे, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे तुम कितना भी चाहो, किसी ने गैब्रियल को देखा? तुम कर क्या रहे थे? चलो जल्दी आ जाओ। चलो जल्दी। क्या कहा तुमने मुझे? सुनो गैब्रियल, ये अपनी गन निकाल रहा था इसलिए मार दिया।
शे, ये सब बकवास है, सब बकवास है। इन सब का कोई मतलब नहीं। नाइस, पागल सनकी साला। हेलो मिस्टर डेनल्स। हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हे, जेम्स, तुम बेवकूफ हो क्या? दिखाई नहीं देता तो देखो, देखा? स्विट्जरलैंड, सब है यहां। ये लो, ये उसका हिस्सा है। सब लोग सुनो, हमारे पास स्विफ्ट कोर्ट्स और सारे बड़े डीलर्स के BIC हैं। रशियन माफिया, स्पेनिश कार्टल, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स, सब कुछ। पिछले 10 साल के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट्स, जिन्हें सरकार मिटाना चाहती है। मैं उनका पीछा करूंगा, तुम सब अपने काम पर जाओ। हम 7 दिनों बाद यहां फिर से मिलेंगे। अगर कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहता तो ग्रुप से अपना हिस्सा भी ले ले। हिस्सा मिलते ही हमारे एग्रीमेंट्स खत्म समझे जाएंगे। ठीक है, तो फिर तय रहा। मिलिट्री ट्रेनिंग ज्यादा गुस्से की वजह से निकाल दिया गया। हे, जो देखा वो पसंद आया? अब तुम उसके पीछे मत भागो, ये उसकी बहन है। इसे रीपर बुलाते हैं। रीपर? सोलोमन को एक ब्लैक ऑप्स मिशन के लिए बुलाया गया था एरिस्टन में। वहां वो डबल क्रॉस हुआ, सेल्डॉन से फिरौती मांगी। CIA ने इस कहानी को दबाने की पूरी कोशिश की, पर अफवाह है कि जिसने रेस्क्यू किया उसे 20 से ज्यादा लैंग्वेजेस आती थी। तुम जानती हो क्या करना है? क्या ये कर पाओगी? और मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने से काम नहीं होगा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। हाथ के मुकाबले और हथियार के स्पेशलिस्ट, 12 लोगों के सर काटे पर सुराग नहीं मिला, और वो सब इसने ही किया था। कीरा, इसका भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग में मारा था। इस स्टेशन है, एक टाइम के लिए पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल्स थी। ये अबू धाबी की सबसे अमीर लड़की है। ये अकेली एक ऐसी लड़की है जो मिनिस्ट्री के डिफेंस सिस्टम तक पहुंची थी। आर्म रॉबरी के लिए सबसे बेस्ट है। क्या यह ड्राइवर है? मैं उसे हमारी सिक्योरिटी के लिए डाल रहा हूं। और ये वाला शैतान है, इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। तुम्हें क्या चाहिए हमसे? चूहे कहीं के।
सब है इसमें। तुम्हें इन फाइल्स के बदले में क्या चाहिए? हे हे, आराम से आराम से। पीछे हटो, पीछे हटो। मुझे एक वजह दो इस बात की ये तुम्हें ना मारे। आजादी, मुझे ये छोड़ना है। अब मैं ये सब करके पूरी तरह से थक चुका हूं। फाड़ में जाएं। तुम्हारी कहानी पे विश्वास करना चाहता हूं। मुझे टेक्सास में अपने सारे सेफ हाउस पक्के करने पड़ेंगे और ये एक हफ्ते में नामुमकिन है। नहीं, मैं की कोड्स अपने पास रखना चाहूंगा। अगर तुम गलत हुए तो एल्विन तुम्हारी अतड़िया 1748 एल्फिन फील्डर ड्राइव पे पहुंचा देगा, नहीं तो मैं तुम्हारी जबान काट डालूंगा और तुम्हारी बहन को भेज दूंगा। समझे? याद रखना। सब मुझे सुनो। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। हमारे पास कोई चारा नहीं है। यहां से लेकर मिडिल ईस्ट तक हर गवर्नमेंट के पास हमारी फोटोज हैं, जान से मारने के ऑर्डर के साथ। हमारी जानकारी के मुताबिक बोटेरो ने अपने सेफ हाउस से 80 मिलियन कैश निकाले हैं। कितना होगा? 40%। इसका मतलब ये कि वो डर गया। पिछले हफ्ते की छीना झपटी के हादसे ने उसे डरा दिया है। उसका शार्क टैंक बहुत कमाल का होगा। मेरे शार्क टैंक में तुम काफी अच्छी लगोगी। बोटेरो अपने सारे एसेट्स इस कंपाउंड में लाएगा। ये आधुनिक तकनीकी से बने हैं। इसके अंदर और चारों ओर मोशन सेंसर्स लगे होंगे, फाइबर ऑप्टिक सोर्सेस जो ऑफसाइट के डाटा को डोर से स्टोर करते हैं, जिसके आईपीएस हर 15 सेकंड्स में बदलते रहते हैं। की कोड्स बिना आवाज वाले चैम्बर में होंगे। वो क्या होता है? आवाज कम करने वाली जगह। आवाज ना अंदर आती है और ना बाहर जाती है। 80 मिलियन डॉलर्स। बाहर में जाए की कोड्स, हम ये पैसे लेकर निकल जाते हैं। उस पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगे। सारे पैसों पे निशान होंगे और हम तुरंत पकड़े जाएंगे। बोटेरो के सेफ हाउस से जो BICs और बैंक कोड्स मिले वो कैलकुलेटेड थे। उस पे पहरा भी कम था और कोई उसे छीनेगा ऐसा सोचा भी नहीं था बोटेरो ने। उसे सेफ लगा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके हमें पैसों तक पहुंचाना जो फेट्स किताबों से हटाना चाहते हैं। वो रकम है 1 बिलियन क्लीन। 1 बिलियन 5 लोगों में बांटेंगे। नहीं, 1 बिलियन जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें। हम की कोड्स लेंगे, सारे अकाउंट्स एक सेंट्रल विड्रॉल से लिंक कर देंगे। बिटकॉइन एक्सचेंज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, जहां भी मैक्सिकम कर्टेल और रशियन माफिया ने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया हो CIA की मदद से और FBI। मैं तो एक बोट खरीदूंगा, बहुत ही बड़ी वाली बोट। तो इसमें सोचना क्या है? हम ये की कोड्स ले लेंगे, बाहर निकल जाएंगे। अगर जिंदा बचे तो कब करना है? हमें ये कल रात को ही करना होगा। बिल्कुल भी नहीं। पर ये तो सुसाइड होगा। तुम सब अपनी बकवास बंद करो। हमने ये चोरी सिर्फ कार्टल से नहीं की है। हर एक सरकारी एजेंसी जिसे तुम जानते हो और जिसे नहीं भी जानते हो, पूरा लांगली गैंग यहाँ पर आने वाला है। हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वही मैं बताना चाहता हूँ। वो है सरप्राइज एलिमेंट। वो पैसे बेकार हैं जो हम खर्च नहीं कर सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम सभी शैतान हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? छोड़ो, जाने भी दो। नहीं, सच में तुम हम लोगों के साथ काम करते हो, पर हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते।
मैं बस थोड़ा बेपरवाह हूँ। तुम पागल हो क्या? हे, बकवास कर रहे हो। रुक जाओ। उसकी तो देखो, तुम सबका बहुत हो गया। जैसा मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। अपनी बाकी की जिंदगी डर में गुजारो जब तक तुम्हें कोई ढूंढ कर मार नहीं देता, या तब तक डरो जब तक इतने पैसे ना हो जाएं कि जरूरत के वक्त तुम अपने आप को बचा सको। मर्जी तुम्हारी है। रात के 9 बजे अगर लेट हुए तो आने की जरूरत नहीं। सोलोमन, ये क्या है? ये तो हिल ही नहीं रहे। मैंने कहा सब जमीन पर लेट जाओ, इसी वक्त। इधर देखो जरा, अब उसकी ब्लीडिंग रुक गई है। पर क्या है, कोई बात है? खुद ही चल के देख लो। नजर रखो। मैं कार में ट्रेसेस चेक करके आती हूँ। हमें यहां से निकलना होगा, उन्होंने इसकी प्लेट्स बनाई होगी।
क्या है ये सब? बहुत खून निकल चुका है इसका। राइट नाउ इसकी किडनी फेल होने वाली है और इसकी बॉडी धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है। क्या हुआ? अब हमें जवाब कैसे मिलेगा? अब तुम उससे जवाब को लेकर बात करोगे? मैंने तुमसे कहा था इस लड़की को मत लेकर आओ यहां पर, यह हम सभी लोगों को मरवा देगा और इसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम। गैब्रियल को खून की जरूरत है, वो भी एक घंटे के अंदर। हथियार? हमारे पास बस दो ही मैगजीन बची है। सेज को कार में ग्रेड टू का ट्रैकर मिला है, इसका मतलब उन्हें हमारी लोकेशन के बारे में पहले से पता था। ये कैसे मुमकिन है? मैं नहीं जानता। वो
हो सकता है जब हम अंदर आए हो तो लगा दिया हो। इस लेवल के एसेस के लिए फुल सोफिस्टिकेशन चाहिए होता है। सिर्फ हम लोगों को ही ये प्लान पता था। हमें पता नहीं चला कि वो 8 मिलियन के साथ बाहर कैसे आया। 5 5 हम लकी हैं कि हमें इतने पैसे तो मिले। 5 मिलियन इतने पैसों में हम ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सुनो, उन्होंने हमारी कार ट्रेस की, हमें दूसरी कार चाहिए, साफ। हमारे पास कितना टाइम है इससे पहले कि वो हर दरवाजा खटखटाए? 1-2 घंटे बस। सिर्फ $5 मिलियन। हमें कैसे पता वहां पर कोई की कोड था भी या नहीं? अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। किसी को अंदाजा नहीं था कि बुटेरो हमें ट्रैप में फंसा रहा है। ठीक है, कोई बात तो जरूर है जो ये हमें बता नहीं रहा। दूसरे कमरे में जो फैमिली है उनका क्या करें? उन्होंने हमारे चेहरे देखे हैं। कुछ नहीं जब तक पता नहीं चलता कि हम कहां पर हैं और हम यहां से कैसे निकलेंगे। बाहर हमारे लिए काफी खतरा हो सकता है। तो हम यहीं पर बैठकर इंतजार करें? और गैब्रियल का क्या? हम देश के बाहर कैसे जाएंगे? इनकी मदद से। इन्हें बक्से में छिपाया था। मेरी तरफ देखो, हमारे आने का पता कैसे चला? जवाब दे कमीने। बस काफी है, मुझे जानना है कि ये क्या कहता है। अबे तेरी तो कुत्ता कहीं का। तुम ठीक हो? बाय बाय। सभी लोग शांत हो जाओ, हम ये सब अपने तरीके से करेंगे। किसी को दिक्कत है इस बात से? अब से कोई लापरवाही नहीं होगी, समझ गए? सोलोमन, क्या क्या बकवास है? शायद ये शौक नहीं है। कोई है शायद? मुझे चाकू ना चलाना पड़े, इसलिए तुम अपना मुंह ऐसे ही बंद रखना अगले 15 मिनट तक के लिए, वरना मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। समझ गई ना अच्छे से? चलो आओ। तुम्हारा हाथ कैसा है? हाँ ठीक है। इसका क्या करना है? इसे पीछे लेकर जाओ और इसे चुप रखो। इसे तो मैं हैंडल कर लूंगा। चलो एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। अब चलो भी, बस 1 घंटे और, कैसे भी करके सब लोग रास्ता निकालो। आओ चलो। अरे चलो। ये दरवाजा मत खोलना, हिलना मत जब तक हम लेने ना आ जाए। हाँ
करते रहो। लियान, तुम यहां क्या कर रहे हो? हमें जानते हो? मेरा नाम लूथर है, और तुम लोग मेरे घर में घुसे कैसे? क्या तुम्हें बूटेरों ने भेजा? मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता, ये झूठ बोल रहा है। तुम लोगों को जो चाहिए ले लो और मेरे घर से निकल जाओ। लोग यहाँ चेन में क्यों बंधे हैं? आगे बहुत सोच समझ कर बोलना, समझे? शिट, ये मेरा स्क्वार्टर घर है। लोगों को जब भी कभी छुपना होता है तो यहाँ पर आते हैं, और कभी कभी परिवार भी। इसे देखो जरा, ये तो सही बोल रहा है, ये तो भगोड़े लोगों के लिए एक मंदिर की तरह है। हमें एक गाड़ी चाहिए और साथ में हथियार भी, फिर शायद तुम जिंदा रह सको। मेरे गैराज में एक गाड़ी है। हाँ, तुम मेरे लिए करोगे? उसकी टंकी फुल है और तुम सबके लिए अच्छी है वो, उसे लो और निकल जाओ। मुझे और मुसीबत नहीं चाहिए। केरा, मिस्टर लूथर को गैरेज में ले जाओ, अगर ये झूठा निकला तो गोली मार देना। चलो मेरे साथ आओ। हमें कार मिल गई तो हम निकल जाएंगे। आधे घंटे तक जो नहीं आया हम उसे छोड़ देंगे। अपने हाथों को सर पर रखो, चलो। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है, पर अभी भी देर नहीं हुई है, यहां से वापस चले जाओ। मेरा प्लान वापस जाने का है, और वो भी अमीर बनकर। मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। रुको, ये क्या है? लूथर, मैं बोल रही हूँ सामने आओ। कहाँ हो तुम? Yeah.
हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। गैब्रियल है। मैं जाकर देखता हूं। कीरा तो अब तक आ जाती है। वो शायद लूथर को हमारे सारे राज बता रही होगी। हो सकता है उसने वो किया जो हमें करना चाहिए था। कार लेके खुद यहां से बच के निकल गई होगी। मैं जाके देखता हूं कि मुझे आखिर इसके साथ क्या करना चाहिए। मैं आ गया। सोलोमोन, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। तुम लोग यहां से चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके। इससे लेकिन देर हो जाए। हमें कार मिल गई है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे हम। तुम जाओ यहां से, मैं नहीं जाना चाहता। अरे देखो तो जरा, लगता है तुम उसके सबसे खास वैश्या हो। बताओ कि की कोड्स कहाँ है और ड्राइव कहाँ है। देखो मेरे साथ ऐसे खेल मत खेलो। कोड्स कहाँ है? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हें बचा नहीं सका मैं। नहीं बचा सका क्योंकि उसे तुम्हारी जान चाहिए थी। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम एक पुण्य की परछाई हो। सुना तुमने? तुमने सुना मुझे? तुम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चले जाओ। गैब्रियल, गैब्रियल, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। वो एक ड्राइव में है। तुम्हें जो भी पता है वो मुझे सब बताओ।
जरा इसे देखो। मैंने आज तक बहुत अजीब चीजें देखी हैं, पर ऐसा कभी नहीं सोचा। वो लाइलाज है। मेरी दादी हमेशा कहानियां सुनाया करती थी, चीखों की आवाज दबाने के लिए। सर्बिया की सड़कों पर मरने वाले लोगों की चीखें। वो बाबा रोगा की कहानी सुनाती थी, क्रिएचर्स जो पशुओं को खाते थे, उनमें से एक था सात्या। एक शैतान जिसके तीन चेहरे थे। वो कहा करती थी, असात्या बनके हम वो दिखाते हैं जो तुम महसूस करते हो, और बुराई जो तुम छुपाना चाहते हो, और जितने बुरे तुम सच में हो। तो तुम ये कहना चाहती हो कि वो जो हमारा दोस्त है वो अब एक मॉन्स्टर है? दादी की कहानियों में राक्षस हमेशा मर्द होते थे। असाध्य होना प्रायश्चित है, बुरा होने की बस एक सजा। कोई आया है। लोथर? पता नहीं। ऑफिसर मेजर्स, एक यहां से कंप्लेंट आई थी। ऑफिसर मेजर, घर पे कोई है? परेशानी के लिए सॉरी, पड़ोसी ने कंप्लेंट की थी कि आसपास से शोर आ रहा है। क्या आपने कुछ सुना है? कुछ संदेहजनक, रोज से कुछ अलग? मैम? हाँ सॉरी, यहाँ सब ठीक है। मैं बस एक बड़ी सी टेबल सरका रही थी, मेरे सोच से कुछ ज्यादा ही आवाज आई। आपको ये चोट कैसे लगी आप बता सकती हैं? ये एक शेल्टर है लड़कियों की मदद के लिए, जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। इट्स फाइन। काम कर लो, लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अब ऐसा नहीं होगा, आप रेडियो ऑफ रखना। बस एक बात और, मैं भी उन औरतों में हुआ करती थी, मैं भी अपनी कहानी में गुम थी। हैंड्स अप नाउ। एक गन इसके सर पर है और दूसरी तुम्हारी तरफ। फिर से कहेंगी जरा क्या कह रही थी? मैम, आप मेरी तरफ चलकर आइए। ऐसा मत करना, अगर हिली तो मरी। आप मेरी बात सुनिए, भरोसा रखिए, मैंने बॉडी में कैमरा लगा रखा है। मैं तीन तक तुम्हें नहीं मार सकता। अगर ये ऐसा करेगा तो सारे कॉप्स जो 20 मील की रेडियस पर हैं, वो यहाँ पर तुरंत आ जाएंगे। मैम, आप मेरा भरोसा कर सकती हैं, मेरी तरफ चलिए अभी। आ जाइए, आइए, जल्दी आइए, चलते रहिए, मेरे पीछे आ जाइए, मेरे पीछे रहिए। मुझे आपका नाम नहीं पता, मैंने आपका चेहरा भी नहीं देखा। हम यहां से जा रहे हैं, हम दोनों। अब क्या कहोगी? चेहरा साफ दिख रहा है तुम्हें? तुम इसे नहीं ले जा सकती, इसके पास हमारी बहुत कीमती चीज है।
मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मैं इसे ले जा रही हूं। हम इस कार में बैठ जाएंगे। हे भगवान, छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। यहाँ पर हो क्या रहा है? हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी के अभी। ये शैतान जैसा आखिर क्या था? क्या वो राक्षस था? सेज, तुम ठीक हो? बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? वो राक्षस था, वो आसमान उड़ गया। शांत हो जाओ जेम्स, यहाँ से अभी जाओ। हमें तैयार रहना होगा, पुलिस वाले फिर से आए तो। हे, अपनी कहानी पूरी करो, अभी कहानी पूरी करो अपनी। वो जानवर असाध्य है, वो डरता है सूरज की रोशनी से। और क्या? लहसुन, विंडस्ट्रेक्स। अब मैं नहीं जानती। और क्या? मुझे कुछ याद नहीं। और क्या? मुझे नहीं पता। वो जानवर जो भी था, गैब्रियल उसके बारे में हमें बताना चाहता था। वो दोनों एक भी तो हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर वो वही है जो मैं सोच रही हूँ, तो गोलियां हमारे काम नहीं आएंगी। जैसा गैब्रियल के साथ। अब हमारे पास कोई बड़ी टेबल नहीं है जिसे हमने गैब्रियल पर मारी थी। हमें सुबह तक बचे रहने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। बढ़िया। तुम बाहर जाओगे, जरूर तुम बाहर जाओगे, तुम यहां से निकल सकते हो। ये सब क्या बकवास है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनी इमोशन पे काबू रखो। जेम्स, तुम्हें यहां से निकलने के बाद एक बोट खरीदनी है। तुम्हें यहां से निकलना होगा, कैसे भी करके तुम्हें बचना होगा। तुम्हें यहां किसने बांध के रखा है? बताओ मुझे। बेस्ट ऑफ लक जिंदा रहने के लिए। सेज, काटने के निशान लग रहे हैं। उसने क्या कहा तुमसे? बेस्ट ऑफ लक कह रही है। ऐसा ही लगा। खड़ी हो, उठ जाओ। जितनी हो सके लकड़ी ढूंढ कर लाओ, जाओ। और सुनो, अगर तुमने वो हरकत दोबारा की तो तुम्हें गोली मार दूंगा, मेरी बात याद रखना। तुम दोनों भी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी रहो। दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाओ दोनों। तुमने कहा था कि हमें इसकी जरूरत है। शायद वो जानती है कि ये क्या है। पैसे पाने की आखिरी कड़ी हो सकती है वो। काश तुम सही हो,
हाँ ये बिल्कुल सही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी मत करना कि बाद में पछताओ। अपनी बंदूक नीचे करो। मैंने कहा बंदूक नीचे करो। ये इसे कहते हैं ना एक अच्छा बच्चा। एक और चीज तुम भी। हाँ मेरे निशाने पे है। उसने जो कहा वो करो सेज। उसकी बात मान जाओ सेज। अपनी बंदूक नीचे करो। मेरी तरफ सरकाओ। चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं। जिसको मिला उसका। मुझे ये ऊपर क्लोसेट में मिले। इनके ऑनर्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और मैं यहां जानने के लिए रुकूं कि कौन और कब। नहीं मैं यहां से बाहर जा रहा हूं आज ही रात में। जेम्स हम नहीं जानते बाहर क्या है। बेहतर यह है कि हम सुबह तक यहीं रुके। हम सेफ रहेंगे और साथ में जिंदा भी जाएंगे यहां से। शट अप। जेम्स तुमने पी रखी है। हम एक साथ मिलकर यहाँ से निकल सकते हैं। तुमने मुझसे झूठ बोला। समय बर्बाद कर रहे हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने बुटेरो के ऑफिस से क्या लिया? मैंने कहा था हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया। मैंने कहा ना हमने वहाँ से। अब कुछ याद आया तुम्हें? दो वरना मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। मुझे पता है मैंने बात की थी। थोड़ी देर पहले ही मैंने इस एंजल से बात की थी। तब पता चला कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं। तुमने हमें धोखा दिया। ओ नहीं बल्कि सरप्राइज दिया। सुसाइड मिशन याद है ना? ऐसी दिखती है 14 बिलियन डॉलर की जंप ड्राइव। उम्मीद करता हूं तुम लोग सुबह तक जिंदा रहोगे। नीचे क्या है? नहीं, 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 नहीं। कहां गई वो? कहां गई वो? ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वो कहीं और से निकल गई लेकिन जेम्स अभी भी अंदर है। सोलोमन पता है तुम समझ रही हो। कुछ तो गलत है। हे सोलोमन ये तो गैब्रियल जैसा ही है। बिल्कुल मेरी तरफ घूमो।
कौन है वो जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? तुमसे कुछ पूछा इसने? मैं कहां हूं? ये तो हिंदी बोल रही है। मैं जहां हूं वो समझा नहीं जा सकता। तुम और तुम्हारी बेटी यहां क्या कर रही हो? हम किससे लड़ रहे हैं? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। सेज, हमें कार में जाना होगा इसी वक्त। सेज, इधर आओ जल्दी। देखो, तुम इसके साथ अभी दूर नहीं गई होगी। तुम्हारे पांव को क्या हुआ? उसे ढूंढो। सेज, अगर सब खत्म होने वाला है तो पीछे मुड़कर मत देखना। लोग वो देखते हैं जो देखना चाहते हैं। ऐसी दुनिया देखते हैं जैसा वो देखना चाहते हैं। मुझे कभी बदलने ही नहीं वाले थे। एक जड़ को फूल बनाने का क्या फायदा जो एक दिन मुरझा जाएगा। और आखिरकार इतने लंबे समय के बाद मैं इसे समझ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं अपने मालिक के साथ एक बार फिर से एक होने की तड़प। वो तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगी। असल में जो तुम हो वो नहीं देख सकती। मेरी बच्ची, इसीलिए तुम्हें देर लग रही है क्योंकि तुम में आस्था नहीं है। ये मैं हूं। वो चीज आखिर है क्या? मुझे नहीं पता। ये सब क्या है? ये काफी नहीं है, हमें जाना चाहिए।
सोलोमोन, हे, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हें यहां से जाना होगा। मेरे भाई के ऊपर से गन हटाने ही तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब वो तुम्हारा भाई नहीं रहा, समझी? फिर से नहीं बोलूंगी। ठीक है, सोलोमन, सोलोमन, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। सोलोमन, हम लड़ेंगे, क्या है ना? उसकी शक्ति पता चली आखिरकार। देखो, पेपर वेट्स की भी जरूरत नहीं है। सिल्वर से काफी चोट लगती है और शायद सूरज की रोशनी की भी कोई जरूरत नहीं है। सही कहा ना मैंने? ठीक है, नताशा रेनोविग्लिफेन, तुम्हारी दादी ने स्टोरी के अलावा भी कुछ बताया है? लड़कों के काफी नाम याद होते हैं। ओटेरो बस एक चेहरा था जो समय के साथ बदल जाता है, और वही शैतान है। तुम्हें और मुझे पता है कब लड़ना है। अब ज्यादा देर नहीं। वो चाहता था हम तुम्हें पकड़े। मेरा इरादा मेरे पैसों को अपनी आंखों से दूर करना नहीं था, और जब तुमने मेरे कैश हाउस पर हमला किया तब बोटेरो के नाम की जरूरत नहीं पड़ी। इसे क्या हो रहा है? ये अब उसके हवाले है। किसके? असाध्या। वो दूसरी गाड़ी, बाहर निकलने का वही ऑप्शन है। वो नहीं है हमारे पास, गैराज में है, पर मैं कोर्ट्स के बिना नहीं जाऊंगी। वो कहां मिलेंगे? घर के तीसरे लेवल पर, जेम्स के पास। अगर तुम मेरे भाई के पास गई तो मैं तुम्हें चांद से मार डालूंगी। बचकर नहीं निकल सकते। मैं जानता हूं, हम दोनों चाहते हैं कि वो ये नहीं करना चाहती, पर एक चीज है जो उसे कमजोर करती है, वजन के हिसाब से इसमें बस एक बुलेट बची है। तो तुम मुझे मारना चाहती हो? अपना चेहरा दिखाओगे तो पता चल जाएगा। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया नेकलेस उसके ओनर को वापस करने के लिए। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता,
मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो मौत से भी महान है। मुझसे तो दूर ही रहो तुम। मैं तुम्हारे भाई को बचाना चाहता हूँ। तुम बोलना क्या चाहते हो? यही कि वो एक ऐसा राक्षस बनने जा रहा है कि जिसे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं होगी, तुम्हारा नाम भी पता नहीं होगा, पर अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं उसकी जान बख्श दूंगा। सुबह तक का वक्त है, सोच समझ कर फैसला लो। मेरी बहन को यहां से दूर सोलोमन उठो जाओ। नेकलेस दो। चलो सोलोमन। सोलोमन अभी कमान सेज। सुबह सुबह होने में थोड़ा सा ही वक्त बाकी है सेज। नहीं सेज। सोलोमन सेज मेरे पीछे मत आना। कुछ नहीं होगा सेज। मैंने कहा मेरे पीछे मत आना। मेरा भाई। हाँ बिल्कुल, पर उसके लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस? हाँ छोटी सी बात है, इसके लिए परेशान मत हो, सब हो जाएगा।
घबराओ मत, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, पर मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ, इसीलिए मान जाओ मेरी बात। देखो तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, हमेशा के लिए तुम्हें आना होगा मेरे पास। अब चलो भी। Thank you.
मेगुल अंदर चलो। बच्चे भी, मेरी बेटी भी इतनी ही जिद्दी थी। हाँ, ये काफी शरारती है। तुम किसे ढूंढने आई हो यहाँ? अलियाबो। तुम जिसे ढूंढ रही हो वो काफी खतरनाक है। हाँ सही कहा। मैक्सिको में आपका स्वागत है मिसेस नेल्सन। दिस मूवी इज एनकोडेड बाय डॉक्टर स्टार। Damn, it feels good.